उपवन मंडल बागली की रेंज पुंजापुरा के रतनपुरा जंगल में गुरुवार के दिन एक वनरक्षक की गोली मारकर अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार की सुबह उक्त वनकर्मी के शव का उदयनगर शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके पश्चात वन विभाग द्वारा मृतक वनकर्मी मदनलाल वर्मा का अंतिम संस्कार उज्जैन में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राजकीय सम्मान के साथ मृतक वनकर्मी मदनलाल वर्मा को विदाई दी गई। इस अवसर पर बागली वन एसडीओ अमित सोलंकी और रेंजर दिनेश निगम द्वारा राजकीय सम्मान के दौरान पुष्प भेंट कर वर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं उदयनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले में गंभीरता से जांच में जुट गई है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। रतनपुर बीट का वनरक्षक मदनलाल वर्मा था जो कल शाम तक नहीं लौटा, तो अन्य वनरक्षकों ने सूचना दी। इस सूचना पर थाना प्रभारी उदयनगर वास्कले फॉरेस्ट रेंजर के साथ गए। रात्रि में 9 बजे उसकी रतनपुर बीट के जंगल में उसकी लाश मिली थी और उसके छाती पर गोली के निशान थे। पोस्टमार्टम हमने करा लिया है और एसडीओपी राकेश व्यास के नेतृत्व में 3 टीमें बनी हुई हैं और थाना प्रभारी वास्कले भी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं और जल्द ही हम इसमें जिन आरोपियों ने उनके साथ ये घटना कारित की है उसका हम पता लगा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।